होली वाले दिन अपने हिंदी वाले माँ साहब की बड़ी याद आती है, अपने शुक्ला जी। जब भी कोई त्यौहार पड़ता था वो हम लोग को निबंध लिखने के लिए दे देते थे, और हम लोग हर बार निबंध एक कॉमन लाइन से शुरू करते थे कि ऐसे तो हिंदुस्तान में कई राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक त्यौहार हैं, लेकिन ये फलाने वाला त्यौहार प्रमुख है, और जो भी त्यौहार पड़ रहा होता था उसको फलाने की जगह फिट कर देते थे। होली पे शुक्ला जी ने हमें निबंध लिख के लाने के लिए दिया, और उन्होंने पहले ही बता दिया कि कोई नकल करके नहीं लिख के लाएगा। अब हिंदुस्तान के स्कूल का हर लड़का अपने आप को हिंदी वाले मास्टर साहब से तो स्मार्ट ही समझता है। मैं भी ऐसे ही समझता था। मैं घर गया, कुंजी उठाई और पूरा का पूरा निबंध वहाँ से चेप दिया। इसके बाद शुक्ला जी ने अगले दिन मुझसे कहा कि जो लिख के लाए हो वो पूरी क्लास को पढ़ के सुनाओ, और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में पढ़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने पढ़ना शुरू किया कि होली जो है ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, इसको बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसको सारे हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैं भी ये बोल ही रहा था कि इतने में शुक्ला जी ने मुझे रोका और कहा, नकल करके लिख के लाए हो क्या? अब मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने तो खुद लिखा है। ये सुनते ही वो मेरे पास आए और मेरे को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया। वो बोले कि अगर नकल करने वाली बात मान लेते ना तो नहीं मारता, लेकिन अगर तुम खुद ऐसा लिख के लाए हो कि होली जो है केवल हिंदू मनाते हैं, तो इस बात के लिए तुम्हारी मार पड़नी ही चाहिए। और इसके बाद उन्होंने मेरे पड़ोस में बैठने वाले अब्दुल को खड़ा किया और पूछा, ये बताओ अब्दुल, होली होली खेलते हो? अब अब्दुल जवाब देता, इससे पहले विवेक बोला कि अरे सर, सबसे ज़्यादा यही खेलता है, इसके तो बैग में भी रंग पड़े हैं। शुक्ला जी ने ब्लैक बोर्ड पर कविता लिख दी और हम सबसे कहा कि कल सब लोग इसको याद करके आएंगे। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, हर आन घड़ी घत फिरते हों, कुछ घट घट के कुछ बढ़ बढ़ के, कुछ नाच जतावे लड़ लड़के, कुछ होली गावे अड़ अड़के, कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले कुछ तन फड़के, कुछ काफिर नैन मटकते हों, तब देख बहारें होली, महबूब नशे में छपते हों, तब देख बहारें होली की, सीनों से रंग ढलकते हों, तब देख बहारें होली की। कविता लिखने के बाद शुक्ला जी ने पूछा कि पता है ये कविता किसने लिखी है? अब क्लास में किसी को नहीं पता था। उन्होंने बताया कि ये कविता नज़ीर अकबराबादी ने लिखी है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि किसी को पता है कि नज़ीर अकबराबादी कौन थे? ये भी क्लास में किसी को नहीं पता था। इतने में पीछे से कहीं एक आवाज़ आई किसी लड़के की, और उसने बोला कि नाम से तो कोई मुसलमान लग रहा है। शुक्ला जी ने उस लड़के को आगे बुलाया और उसके कान उमेटते हुए कहा कि नज़ीर अकबराबादी हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, और शायर हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शायर का मज़हब शायर होता है। जैसे मास्टर मास्टर होता है, जैसे हमारे त्यौहार हैं, त्यौहार हिंदू या मुसलमान थोड़े होते हैं, त्यौहार तो त्यौहार होता है। फिर शुक्ला जी ने अपने लाल पेन से मेरी कॉपी पर होली हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है को काट कर होली हिंदुस्तानियों का एक प्रमुख त्यौहार कर दिया। शुक्ला जी ने उस दिन केवल निबंध को सही नहीं किया, मुझे भी जिंदगी भर के लिए सही कर दिया।